हेलो फ्रेंड्स, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप इसकी सभी परमिशंस अलाउ कर दीजिए और एक बार मेन मेनू में जाकर फिर दोबारा से चेक करिए कि आपने सभी परमिशंस प्रॉपर्ली अलाउ कर दी हैं या नहीं। आप कैरेक्टर के नीचे मूव आइकन पर टच करते हुए, ड्रैग करते हुए ले जाकर इसे जहाँ चाहे वहाँ मूव करा सकते हैं, मतलब इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अपनी पसंदीदा कैरेक्टर को सेट करने के लिए आप कैरेक्टर वाले आइकन पर प्रेस करिए। यहाँ आप अपने पसंदीदा कोई भी कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अभी इस वर्जन में मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स ही सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी कैरेक्टर के ऊपर दिए गए प्लस आइकन को दबाकर उसके एनिमेशन सेट कर सकते हैं। आप उन मूव्स को सेट कर सकते हैं जो आपको अपनी स्टोरीज में चाहिए, डिफ़ॉल्ट मूव, और उसके बाद जो जो एनिमेशन चेंज होने हैं उसको वन बाई वन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप साइज वाले स्लाइडर से अपने कैरेक्टर का साइज भी सेट कर सकते हैं और उसको फ्लिप भी कर सकते हैं लेफ्ट और राइट में, फ्लिप पर क्लिक करके। अपने कैरेक्टर्स के बॉडी पर टैप करके आप उसके एनिमेशंस को चेंज कर सकते हैं। आप टैप करते जाएंगे और एनिमेशंस जो आपने सेट किए हैं वो चेंज होते जाएंगे। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप बैकग्राउंड वाले बटन को प्रेस करके यहाँ लिस्ट में से कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं अपना और भी कोई बैकग्राउंड तो वो भी कर सकते हैं। स्क्रीन वाले बटन पर टैप करके आप पूरी स्क्रीन व्यू को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, साथ ही इसको जहाँ भी चाहे वहाँ मूव करा सकते हैं। आइए, एनिमेशन बनाने के लिए हमें की फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी, और ये की फ्रेम वाला मेनू आप सेटिंग बटन पर टैप करके या इनेबल की फ्रेम से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। कैरेक्टर को मूव कराने के लिए पहले आप उसके मूव सेलेक्ट कर लीजिए जैसे भी आपको अपनी स्टोरी के हिसाब से चाहिए। पहले वन बाई वन जो भी कैरेक्टर्स आपने सीन में ले रखे हैं उनके मूव्स आप है ना सेलेक्ट कर लीजिए। आप उन कैरेक्टर्स पर टैप करके देख सकते हैं कि वे सभी मूव्स प्रॉपरली ले लिए गए हैं, एनिमेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप टैप करके देख सकते हैं कि सभी मूव्स प्रॉपरली चल रहे हैं या नहीं। प्ले बटन पर प्रेस करने पर सभी कैरेक्टर्स के मूव डिफॉल्ट पे आ जाएंगे। ओके, सबसे पहले वाला चलने लग गया। अब मैं चाहता हूँ ये कैरेक्टर्स लेफ्ट साइड वाला अपनी पोजीशन पे खड़ा रहे और राइट साइड वाला जो कैरेक्टर है वो चलते हुए इसके पास आए, आकर रुके, फिर उससे बात करे और दूसरा भी उससे बात करे, आपस में दोनों में बात हो। इसके साथ ही कैमरे का जूम इन एनिमेशन मुझे चाहिए, तो इसके लिए मैं की फ्रेम्स को यूज़ करूँगा। उसके लिए आप अपने कैरेक्टर्स की पोजीशन सेट कर लीजिए और एक एक करके की फ्रेम ऐड करते जाइए। ध्यान रहे कैरेक्टर्स की जो भी पोजीशंस हैं और जो कैमरे का जो आप जूम इन जूम आउट कर रहे हैं या पोजीशन चेंज कर रहे हैं ये सभी की फ्रेम में चली जाएंगी, और प्ले करने पर जैसा आपने सेट किया है उसके हिसाब से सभी चलने लगेंगे।
आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से मेरा कैरेक्टर चलते हुए आएगा, और मुझे यहाँ पर टैप करना है इसका एनिमेशन चेंज करने के लिए। ये चलते हुए आएगा, मैं इसे टैप करूँगा और ये बातें करने लगेगा। फिर दूसरा बंदा है उस पर टैप करूँगा, वो भी बात करने लगेगा, और इस पर टैप करके इसे रोक दूँगा। बेसिकली ये सब एक गेम की तरह वर्क करेगा, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, टैप टैप करके इनके एनिमेशन आपको प्ले करने हैं। ये एनिमेशन बनाने का हमारा पहला तरीका है बेसिक। इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ। आप रिकॉर्ड बटन या प्ले बटन जब भी आप प्रेस करेंगे तो एनिमेशन अपनी डिफ़ॉल्ट स्टेट पे आ जाएंगे। एनिमेशन रिकॉर्ड करने से पहले आप की फ्रेम ऑप्शन को बंद जरूर कर लीजिए, वरना वो आपके स्क्रीन पे ही बने रहेंगे। ओके, को आवाज़ निकाल के रिकॉर्ड करनी होगी, मतलब जब भी आप रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो वॉइस भी आपकी वो ले लेता है, तो आप वहाँ पर आवाज़ निकाल करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर बाद में एडिटिंग के टाइम पर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके उसे रिप्लेस कर सकते हैं। नहीं तो आप न्यू पे क्लिक करके सभी कीज़ डिलीट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं एनिमेशन बनाने का अपना दूसरा तरीका, जिसमें हमें टैप नहीं करना पड़ेगा। हम की फ्रेम के हिसाब से इनके एनिमेशंस को भी सेट कर देंगे। तो सबसे पहले आप की फ्रेम वाली लिस्ट में जो ऊपर एनिम ऑप्शन दिया गया है उसको चेक कर दीजिए। इसको करने से क्या होगा, आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका जो डिफ़ॉल्ट एनिमेशन जो सबसे पहला वाला दिया हुआ है, आप जब भी अपना की फ्रेम ऐड करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वाला एनिमेशन वहाँ पर सेव हो जाएगा। यानी कि जब आप प्ले करेंगे तो डिफ़ॉल्ट में जो एनिमेशन आपने सेव कर रखा है वो ऑटोमेटिक प्ले होने लगेगा, आपको टैप करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको इसमें करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। की फ्रेम ऐड करते टाइम ये भी ध्यान में रखना कि आपने जो जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जो एनिमेशन उस टाइम पर चाहिए आपको, वो आपने सेट कर रखे हैं ना डिफ़ॉल्ट में या नहीं। और जब भी आप कोई नया की फ्रेम ऐड करना चाहेंगे तो जिस जिस कैरेक्टर को आप मूव कराना चाहते हैं, जो भी मूव या एनिमेशन प्ले कराना चाहते हैं, वो आप डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप की फ्रेम ऐड करिए।
कस्टमली कैरेक्टर सेलेक्ट करने के लिए आप कस्टम वाले ऑप्शन में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको कैरेक्टर का नेम और की कोड देना होगा, जो कि आपको नीचे दिए गए गेट कैरेक्टर्स बटन पर क्लिक करेंगे ये वेबसाइट खुल के आएगी, यहाँ मिल जाएंगे। तो जिस भी कैरेक्टर को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं अपनी ऐप में, तो उसे यहाँ से उसका प्रॉपरली नेम और की कोड कॉपी करके आपको ऐप में पेस्ट करना है, जिस कैरेक्टर को आपको रिप्लेस करना है। यहाँ वेबसाइट पे और डेली कैरेक्टर्स अपलोड होते रहेंगे, अभी बेसिकली आपको कम ही कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, मगर चिंता मत करिए, ये डेली यहाँ पे अपडेट आपको मिलता रहेगा। और आप मुझे मेल से बता भी सकते हैं कोई भी कैरेक्टर्स आपको अलग से चाहिए तो। आप बैकग्राउंड जिस तरह से चेंज करते हैं, उसी तरह से सामने फोरग्राउंड में भी कोई ऑब्जेक्ट चाहते हैं तो आप फोरग्राउंड को इनेबल करके कोई भी ऑब्जेक्ट आप इंपोर्ट करा सकते हैं। ध्यान है कि ये ट्रांसपेरेंट PNG फॉर्मेट में ही हो। ओके, किसी किसी डिवाइस में दिक्कत आ रही है कि रिकॉर्ड बटन प्रेस करने पर एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है, बंद हो जाती है, तो आपके में ये स्क्रीन रिकॉर्डर काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप सेटिंग में डोंट वांट टू यूज़ ऐप स्क्रीन रिकॉर्डर पे आप क्लिक कर देंगे, तो स्क्रीन रिकॉर्डर आपके एप्लीकेशन में काम नहीं करेगा और ऐप क्रैश नहीं होगी जब आप रिकॉर्ड बटन प्रेस करेंगे। तो उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जो इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है उसके थ्रू आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाती है और स्क्रीन भी रिकॉर्ड होती है, तो उसका यूज़ कर सकते हैं आप। या फिर आप किसी और एप्लीकेशन का वो डाउनलोड कर लीजिए, जैसे कि AZ स्क्रीन रिकॉर्डर है, बहुत सारी एप्लीकेशन है, फ्री एप्लीकेशन है, उसमें उनका यूज़ करके आप है ना स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाई क्वालिटी में आप सेटिंग कर लीजिए उसकी और वॉइस भी इनेबल कर लीजिए, तो ये काम आपको आपका उसके ज़रिए हो जाएगा।